लेट्स मेक रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर। उसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई रखनी है, तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे हम ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब इसको हमें अच्छे से गर्म करना है। तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले जो कि ऑलरेडी स्क्रीन पे मेंशन है। तो फिर इसमें डाला है एक तेज़पत्ता, थोड़ी सी डालेंगे दालचीनी, एक लौंग और एक मैंने बड़ी इलायची ली है, चार पांच दाने काली मिर्च के डालेंगे, एक ही छोटी इलायची है, एक डाली मैंने लाल मिर्च जो सूखी होती है, इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने, थोड़ी सी डालेंगे कलौंजी जो काली वाली होती है वो डाली है, थोड़ी सी ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ, और ये लिया है मैंने सूखा कसूरी मेथी, और बिल्कुल थोड़ी सी लेना है हमें ये धनिया के बीज। इसको हल्का सा हाथों में रब करेंगे तो ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ये सारा हम इसमें डाल देंगे, हल्का सा इसको क्रैकल होने देना है इस तरीके से। अच्छे से हो गया ये। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज को मैंने बारीक पीस लिया था, एक प्याज लिया मैंने, वो डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज भुनना शुरू हो गई है, जब तक प्याज भुन रही है तो इसमें साथ में डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये भी साथ में अच्छे से भुन जाएगा। इसको तब तक भूनना है जब तक ऑयल साइड से रिलीज ना होने लग जाए। मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है, इसमें ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है। अब डालेंगे इसमें कुछ बेसिक से पाउडर मसाले। तो इसमें सबसे पहले जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, नमक डालेंगे, उसके बाद जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी, मतलब हल्दी का पाउडर, उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर। इन सबको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से भुनने के लिए इसमें हम ऐड करना है थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। अब इसको हमें काफ़ी अच्छे से भूनना है। मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, चुटकी भर डालेंगे बस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें अपनी वेजीज ऐड करना है, तो उसमें मैंने डाइस्ड में कटी हुई प्याज ली है, वो डाल देंगे, शिमला मिर्च डालेंगे ऐसे बड़े टुकड़ों में कटी हुई, साथ में डाल देंगे टमाटर, इसको भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया था। अब ये सब डालने के बाद हमें ऐड करना है इसमें मटर, हरी मटर डाली है मैंने। अब लास्ट में डालना है हमें पनीर, पनीर को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया था। सारा कुछ डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला, पनीर और बाकी सब्जियां अच्छे से भुन गई हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बस अच्छे से चला लेना है। ये जो पानी हमने डाला है वो हम इसमें इसी में सुखा लेंगे, अच्छे से सूख जाना चाहिए और ऑयल रिलीज होना हो जाना चाहिए, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। पानी सारा इसी में खुश्क हो गया है और तेल ऊपर आने लग गया है, तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें एक तड़का लगाएंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब इसको करेंगे साइड में और एक तड़का पैन रखेंगे। अब रखा है मैंने एक तड़का पैन और उसमें डाल देंगे हम ऑयल। इसमें भी मैंने मस्टर्ड ऑयल ही लिया है, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको हमें कर लेना है अच्छे से गर्म। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है, इसमें धुआं आने लग गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन जो कि मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है, हल्का सा इसको हम क्रैकल होने देंगे। सब्जी मैंने वापस से जगह पे रख दी है, इस तरीके का हो गया है लहसुन गोल्डन कलर का। अब इसमें डाल लेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। तड़का बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है जब ये इसमें गार्लिक की टेस्ट आता है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स करना है और बस सर्व करना है। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम किसी बाउल में या किसी भी प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए। पनीर इज़ डन। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही गज़ब का बनता है, इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा रहता है।
सो डू ट्राई।